कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 11 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। क्लास, डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्वतंत्र दिवस, आप सब जानते हैं 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना। और स्कूल में कब फंक्शन होता है? 14 अगस्त को। अब क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूल खुल ही नहीं रहे हैं तो हम लोग फंक्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज आपकी वर्कशीट में दिया गया है ताकि हम जान सकें कि स्वतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं। बच्चों आइए मिलकर ये गीत गाएं। तो चलिए गाते हैं। क्या गीत है? नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद, है ना। आप लोग ने भी गाया होगा, आपने देखा होगा आपके बड़े भाई बहन जब 15 अगस्त की परेड में हिस्सा लेते हैं तो वो लोग इसी तरह से कोई ना कोई सॉन्ग गाते हैं, कोई ना कोई कविता पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ लिखा है, चलिए एक मज़ेदार खेल खेलें, हम घर के कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक अलग अलग गति से चलने की कोशिश करेंगे। पहले धीरे धीरे चलेंगे, फिर आराम से चलेंगे सामान्य गति से, और फिर तेज़ रफ्तार से, ठीक है। ये खेल आप अपने घर के सभी सदस्यों के साथ खेल सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है ना, देखिए आया ना मज़ा। तो आप लोग खेलेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको मज़ा आया या नहीं आया। आगे देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अब नीचे दिए गए राष्ट्रीय झंडे यानी राष्ट्रीय ध्वज में जो हमारा तिरंगा है उसमें रंग भरिए और बताइए कि कैसा बना। तो देखिए मैंने ऐसे रंग भरा है, तो ये आपका रहा राष्ट्रीय झंडा। आप लोग जानते हैं ना कि हमारे झंडे में कौन कौन से तीन कलर होते हैं। सबसे ऊपर होता है सैफ्रॉन, जिसे हम लोग कहते हैं नारंगी। दूसरा होता है आपका वाइट, इसमें अशोक चक्र होता है जो कि ब्लू कलर का होता है। और जो आपका सबसे नीचे होता है ये होता है आपका ग्रीन, है ना। तो ये तीन हमारे झंडे के अंदर के कलर होते हैं। तो इसी तरह से आप इन्हें करेंगे। ये अशोक चक्र है, ये ब्लू कलर का होता है, इसे आप ब्लू कर लेंगे, ओके। चलिए तो इस तरह से वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। इस झंडे को बनाने में आप लोग अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है, आपके टीचर्स से कहा गया है कि आपकी मदद करें, आपके पेरेंट्स से कहा गया बच्चों को राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करने के लिए प्रेरित करें। राष्ट्रीय झंडे को ना फाड़ना, ज़मीन पर ना फेंकना, ये सब आपको सिखाया। बिल्कुल ठीक बात है, जब हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं ना तो वहाँ हमारी पहचान हमारे झंडे से ही होती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा ओलंपिक चल रहा है, तो ओलंपिक में क्या होता है, या कॉमनवेल्थ चलते हैं, कोई भी इस तरह के गेम भी होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब कोई टीम जीतती है तो उसके ऊपर क्या करते हैं, उसको उसके देश का झंडा पहनाया जाता है, होता ही नहीं होता। तो हमारी पहचान जो है वो हमारे देश का झंडा है, इसीलिए हमें उसकी कद्र करनी चाहिए ना। उसे उठा के ऐसे गली में फेंक देना या इस तरह से करना ये बहुत गलत बात है। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।